हेलो गाइज, केयर रोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको द रॉक के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि इनके जो जीवन का अभी तक का रोल रहा वह किस प्रकार अदा किया है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं आज बात करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए द रॉक के बारे में तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। द रॉक ने अपने जीवन का एक तिहाई हिस्सा ऑकलैंड में बिताया है। इसके बाद इनका परिवार अमेरिका में शिफ्ट हो गया। वहीं से इन्होंने स्कूल पास की और ये अपनी स्कूल के फुटबॉल और एथलेटिक टीम के मेंबर भी रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि द रॉक, जिनका ताल्लुक एक रेसलर परिवार से था, वो कभी रेसलर बनना ही नहीं चाहते थे। वो तो एक सक्सेसफुल फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन सन 1995 में एक गंभीर चोट लगने की वजह से उनका फुटबॉल कैरियर समाप्त हो गया। इसी बीच उनके जीवन में एक वाक्य हुआ। जब उनकी माँ और पिता घर चलाने के लिए छोटे छोटे काम करने लगे थे और एक दिन शाम को जब रॉक और उनके माता पिता घर पहुँचे तो उन्होंने घर पर ताला लगा पाया। ताला मकान मालिक द्वारा लगा दिया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत समय से मकान का किराया अदा नहीं किया था। ये देखकर उनकी माँ बैठकर रोने लगी और कहा, अब हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे और हमारा क्या होगा। रॉक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि द ड्रीम आई हैड वर्ड क्रैश्ड, आई वाज क्राइंग कॉन्स्टेंटली, डेट वाज माई एब्सोल्यूट रोस्ट टाइम, यानी कि जो मेरे सपने थे वो टूट चुके थे और मैं लगातार रोए जा रहा था। ये समय मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब समय था। इतना सब कुछ होने के बाद भी रॉक ने हिम्मत नहीं हारी और अपना पारिवारिक पेशा रेसलिंग अपनाने की सोची और उसके लिए कड़ी मेहनत में जुट गए। उनका प्रशिक्षण प्रसिद्ध रेसलर रॉकी जॉनसन, जो उनके पिता थे, पेंट पेटरसन्स और टॉमी रिचर्ड्स की निगरानी में हुआ। फिर उन्होंने सन 1995 में अपना पहला ट्राईआउट मैच खेला। रॉक ने बताया कि मैच से मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे पास रेसलिंग के जूते, पैड्स और गियर खरीदने तक के पैसे नहीं थे, पर मैं लड़ा और जीता भी। परंतु यहां पर भी उनके जीवन की तकलीफें खत्म नहीं हुई। जब वो प्रोफेशनल रेसलर बने और WWE में आए तो फैंस ने उनके अजीबोगरीब किरदार की वजह से उनकी आलोचना प्रारंभ कर दी। उनके शुरुआती मैचों में डाई रॉक शख्स जैसे नारे सुनाई देते थे, लेकिन रॉक ने हार नहीं मानी और एक से एक धुरंधर को हराकर अपने हाइटस को फैंस में तकदील कर दिया। रॉक ने 3 मई सन 1997 में अपनी प्रेमिका डेनी ग्रासिया से शादी की। इसके बाद रॉक हॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने द मम्मी में अपने किरदार द स्कॉर्पियन किंग्स से धूम मचा दी। इसके लिए उन्हें $5.5 मिलियन यानी 33.11 करोड़ रुपये मिले। अभी तक किसी एक फिल्म के लिए एक अभिनेता को दी गई सबसे बड़ी राशि थी और इसी फिल्म से उन्होंने अपने लॉयल फैंस भी बना लिए। आज तक वे 100 से ज़्यादा मूवी में काम कर चुके हैं। रॉक का कहना है कि इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ़ यू डोंट यू विल फाइंड अ एक्सक्यूज, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो उसे करने का रास्ता ढूंढ लोगे, पर यदि नहीं तो आप उसे ना करने के लिए बहाना ढूंढ लोगे। तो इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत इंस्पिरेशन हम लोगों को दिया है कि इनके जीवन में जो किस तरह के प्रॉब्लम्स है, वो भी काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। तो मुझे उम्मीद है कि इनके जो जीवन से हैं उनसे आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज मैंने द रॉक के बारे में पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरा साथ दें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बहुत सारा लाता रहूं। अगर आपको इस तरह से रिलेटेड कोई भी और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर जरूर आऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो।